डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में जो है मैं गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन को मेंशन कर दिया हूँ, जिससे कि आप लोगों को काफ़ी ये डाउट रहता है कि गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट में कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं, उसमें सीट कितने हैं, कोर्स का फ़ी कितना है और किस कोर्स का ड्यूरेशन कितना है, उसके लिए एडमिशन का प्रोसेस क्या है, किस एग्ज़ाम को दे करके आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, उसके बाद में उसको जो है PCI से अप्रूवल मिला हुआ है या नहीं, उसके बाद में जो है आपको हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं, हॉस्टल है तो उसमें गर्ल्स के लिए कितना सीट अवेलेबल है, बॉयज़ के लिए कितना सीट अवेलेबल है, प्लस में जो है आपको हॉस्टल का जो है फ़ी कितना है, ये टोटल इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और इसके लिए मैंने एक लिस्ट तैयार किया हुआ है, चलिए उस लिस्ट को देखते हैं, उसके बाद में आई होप कि आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे और जिनको भी जो है एडमिशन लेना हो वो अपना जो है काउंसलिंग करा करके जो है इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इंस्टीट्यूट नेम जो है गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट, जिसको GPI गुलजारबाग पटना के नाम से भी जानते हैं। इसमें कोर्स जो है आपको एम फार्म, बी फार्म और डी फार्म तीन कोर्स अवेलेबल है। ये जो है मास्टर कोर्स हो गया, बैचलर कोर्स हो गया और ये जो है डिप्लोमा कोर्स हो गया। सीट्स जो है एम फार्म के लिए 21 सीट है, बी फार्म के लिए 60 सीट पहले से अवेलेबल है और 40 सीट जो है बिहार गवर्नमेंट ने इस बार बढ़ाया हुआ है 2021 में, तो ये टोटल 100 सीट हो गया। और डी फार्म में जो है 60 सीट है, इसमें भी 40 सीट बढ़ाए जाने की पॉसिबिलिटी है। हॉस्टल जो है एम फार्म के लिए अवेलेबल नहीं है, बी फार्म के लिए अवेलेबल है और डी फार्म के लिए अवेलेबल है। आपका कोर्स ड्यूरेशन जो है एम फार्म का 2 ईयर्स का हो गया और उसके बाद में जो है बी फार्म का जो है 4 ईयर्स का कोर्स ड्यूरेशन है, प्लस 6 मंथ जो है आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है। और डी फार्म का जो है 2 ईयर्स कोर्स ड्यूरेशन है, 3 मंथ्स का हॉस्पिटल ट्रेनिंग किसी भी हॉस्पिटल में कराया जा सकता है। कोर्स फ़ी जो है आपको एम फार्म का फ़ी जो है अभी पता नहीं है, क्योंकि इसको अप्रूवल जो है PCI ने अप्रूवल 2021 में दिया हुआ है, इसलिए कितना इसका फ़ी हो गवर्नमेंट तय करेगा ये अभी पता नहीं है, एडमिशन होने के बाद पता चलेगा। उसके बाद में जो है आपको बी फार्म के लिए जो है 8,500 पर ईयर है और 4 साल का कोर्स है, तो मल्टीप्लाई 4 साल 4 से कर लीजिएगा आप, टोटल फ़ी निकल जाएगा। इसमें भी जो है आपको 8,500 जो है पर ईयर कोर्स फ़ी है और ये 2 साल का है, तो मल्टीप्लाई 2 से कर लीजिएगा, टोटल फ़ी निकल जाएगा। उसके बाद में अप्रूवल जो है इसको मिला हुआ है PCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया होता है। एम फार्म के लिए जो है ये 2021 में अप्रूवल मिला हुआ है, इसको बी फार्म को भी PCI से अप्रूवल मिला हुआ है और डी फार्म को जो है भी PCI से अप्रूवल मिला हुआ है। यूनिवर्सिटी जो है एम फार्म के लिए आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी है और बी फार्म के लिए भी आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी है और डी फार्म का यूनिवर्सिटी नहीं होता है। उसके बाद जो है एडमिशन प्रोसेस जो है एम फार्म के लिए जो है आपको GPAT क्वालिफाई करना पड़ेगा और बी फार्म के लिए जो आपको BCEC क्वालिफाई करना पड़ेगा, वो भी अच्छे रैंक से। जैसे 2020 की बात करें तो UR रैंक जो है 610 तक जो है मॉप अप राउंड में स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है और DCC में जो इसमें बताना मुश्किल है कि कितने रैंक तक होता है, क्योंकि इसमें फ्लैक्चुएसन बहुत होता है रैंक का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, आप बी फार्म पास आउट है तो आप एम फार्म में जो है एडमिशन ले सकते हैं और 12th जो है आपका PCB या PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से है तो आप बी फार्म में एडमिशन ले सकते हैं। और सेम क्राइटेरिया डी फार्म के लिए भी जो है PCM PCB से आपको पास आउट होना ज़रूरी है। अब देखिए, इसमें हॉस्टल जो है आपको बॉयज़ के लिए जो है आपको हॉस्टल में जो है टोटल 200 बेड अवेलेबल है, जिसमें आपको बी फार्म और डी फार्म दोनों स्टूडेंट के लिए है, दोनों स्टूडेंट को मिला करके बॉयज़ के लिए जो है 200 बेड अवेलेबल है, जबकि गर्ल्स के लिए जो है आपको बी फार्म और डी फार्म के गर्ल्स के लिए जो है 100 बेड अवेलेबल है। और ओल्ड हॉस्टल भी है, इसका फ़ी जो है 100 रुपीज़ पर मंथ है और इसका जो है न्यू हॉस्टल का जो फ़ी है 300 रुपीज़ पर मंथ है, ये क्लियर नहीं है, एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये जो है अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन यही डिसाइड होने की पूरी पॉसिबिलिटी है।